अस्सलाम वालेकुम। टाइम्स ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से मैं आपको फ्लोरिडा बे से अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मौसम की सूरत हाल है, सबकी नज़रें, पूरे पाकिस्तान की नज़रें इसी पे हैं। क्रिकेट फैंस खास तौर पर आज के मैच के लिए दुआगो हैं कि आज का मैच हो जाए, बारिश इंटरप्ट ना करे। तो बारिश की सूरत हाल अगर हम देखें तो फ्लोरिडा में हम अभी लैंड किए हैं और आते साथ ही जो हमें जिस चीज़ ने वेलकम किया है वो बारिश है। अगर आप ये बारिश के मनाजिर देखें तो अभी भी हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और बारिश जो है वो जारी है। अच्छा, अच्छी चीज़ यहाँ पे अमेरिका में हमें जो सबसे अच्छी चीज़ वो देखने में दिखाई दी है, मैंने ग्रैंड प्री पे भी देखा, वहाँ पे भी बारिश बहुत तेज़ होती थी मगर थोड़ी ही देर में सारी चीज़ें, सड़कें वगैरह सब क्लियर हो जाती हैं। यही चीज़ हमने न्यूयॉर्क में भी देखी। न्यूयॉर्क में जिस दिन हम लैंड किए उस दिन, उससे एक दिन पहले बहुत बारिश थी मगर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर बारिश का कुछ खास नामोनिशान नहीं था। तो इंडिया के मैच में भी पाकिस्तान को बारिश का कई स्पेल आए बट उसने भी मुतासर नहीं किया, मगर फ्लोरिडा में जो आज से कुछ दिन पहले जो एक फ्लड वार्निंग थी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि डेलिस के अंदर ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की कि गूगल मैप्स के ऊपर और फोरकास्ट के ऊपर जो फ्लड आ जाता है, बेसिकली ये पाकिस्तान वाली सिचुएशन नहीं होती। हम पाकिस्तान में तो जिस तरह हमारे अर्बन फ्लडिंग होती है शहरों में और देहातों की तरफ जो फ्लडिंग होती है, ये उस तरह की फ्लडिंग नहीं है। यहाँ पर बहुत ही चूँकि जो मेजर्स हैं बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं, इस वजह से अगर फोरकास्ट भी अगर ज़्यादा बारिश की हो तो पहले से ही उसको फ्लड डिक्लेयर करके जितनी भी यहाँ पर जो भी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको एक्टिव कर दिया जाता है, इस वजह से वो फ्लड की एक बेसिक वार्निंग आ जाती है। बट हम पाकिस्तान की सिचुएशन से अगर इसको कंसिडर करते हैं तो ऐसी सूरत हाल अब तक फ्लड वाली जो सूरत हाल है वो यहाँ पर देखने को बिल्कुल नहीं मिली। अब सबसे अहम सवाल कि क्या मैच सुबह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तकरीबन मैच के अंदर 11 से 12 घंटे हैं अभी, और अगर आप सड़कों पे भी देखेंगे सड़कें वेट ज़रूर हैं बट आपको यहाँ पर जो पानी की सूरत हाल है वो ऐसी दिखाई नहीं देगी। आज जो कुछ जर्नलिस्ट जो फ्लोरिडा में क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर गए भी थे तो उनको अंदर एंट्री नहीं दी गई, और पाकिस्तान टीम ने भी आज अपनी प्रैक्टिस जो है वो इंडोर की है और जर्नलिस्ट ने गेट के बाहर से ही खड़े होकर रिपोर्ट किया। और जो अब सूरत हाल है उसमें यही बताया जा रहा था कि आउटफील्ड को ड्राई करने की कोशिश की गई है पूरा दिन, और अगर आज जो आउटफील्ड थी उसको अगर ड्राई कर दिया गया और रात की बारिश से सुबह, अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है क्योंकि ये क्रिकेटिंग नेशन नहीं है तो यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं वो भी हमें खास दिखाई नहीं दिए उस तरह के, जिस तरह हमें श्रीलंका के अंदर बड़े ज़बरदस्त बारिश को अगर हो जाए तो कैसे उनका स्टाफ भी बड़ा ट्रेंड है श्रीलंका का और जिन रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर हमें स्टाफ भी उस तरीके से एक्टिव और उस तरीके से मोटिवेटेड दिखाई नहीं दिया था। ये है कि वो पिच के ऊपर कवर वगैरह ज़रूर कर देते हैं मगर जिस तरीके से हम श्रीलंका में देखते हैं कि जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और उस दौरान वो फिर मेक श्योर करते हैं कि मैच को एग्जीक्यूट किया जाए, वो वाली एफर्ट क्या सुबह होगी ग्राउंड के अंदर, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो इस मैच के मुंतजर हैं और चाहते हैं कि ये मैच हो जाए बट जो सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान फैंस होप कर रहे हैं कि आयरलैंड यूएसए को हरा दें। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ डिस्कस की जा रही है कि यूएसए को थोड़ा सा लाइटली लिया जा रहा है। यूएसए की टीम ने जिस तरीके से इंडिया के सामने, पाकिस्तान के सामने और फिर कनाडा के सामने परफॉर्म किया है उसको देखते हुए लगता है कि अगर आयरलैंड को हराना है तो उनको बड़ा ज़बरदस्त खेलना पड़ेगा क्योंकि आयरलैंड की टीम को कनाडा ने भी बीट कर दिया है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आयरलैंड के पास कुछ खोने के लिए तो कुछ नहीं है बट अगर वो एक मैच में विक्ट्री ले लेते हैं तो उनके पास ये पॉइंट ज़रूर आ जाएगा कि वो पाकिस्तान को एक फ़ायदा भी दे देंगे और एक अपना भी चांस वो टूर्नामेंट के अंदर ओपन रखेंगे। बट उनका नेट रन रेट इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से शायद वो आगे जाना ना
पाए उनकी जीत का फायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही होगा। तो फ्लोरिडा के वेदर को लेके सबसे ज़्यादा डिस्कशन है और ये कुछ इस तरह की रिपोर्टिंग भी हुई कि शायद मैचेस को मुंतकिल किया जाए, यहाँ से कर दिया जाए। तो ऐसा प्रैक्टिस माजी में देखने में कभी नहीं आया कि ग्रुप मैचेस की वजह से जो है वो मैचेस को मुंतकिल कर दिया जाए। हाँ, ये बिल्कुल लास्ट स्टेजेस के अंदर ज़रूर होता है, फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, बट ग्रुप स्टेजेस के मैचेस के अंदर बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो वॉश आउट होते हैं, मैच अपॉइंटमेंट हो जाते हैं, तो एक एक पॉइंट दे दिया जाता है। तो ऐसी ही सूरत हाल यहाँ पर भी होगी। तो पाकिस्तानी चूँकि चाहते हैं कि उनकी टीम आगे चली जाए, इस वजह से वो पाकिस्तानी कुछ रिपोर्टिंग भी हुई कि शायद डेलिस की तरफ मैचेस को भेज दिया जाए। जो क्रिकेट को कवर करते हैं वो इस टेक्निकलिटी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब ब्रॉडकास्टर अपना पूरा सेटअप लेके किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं तो उनके लिए वापस आना पॉसिबल नहीं है इतनी इमरजेंसी बेसिस के ऊपर कि वो एक दिन वापस आ जाएं। तो ये शायद सिर्फ अपनी उनका ख्वाहिश का इजहार कुछ लोगों की जानिब से जरूर किया गया था, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फ्लोरिडा में मैच होना पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और मैच का रिजल्ट आना उससे ज्यादा अहम है। और फिर तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की फेवर में रिजल्ट आना, तो बहुत सारी दुआओं की जरूरत है पाकिस्तान टीम को। अगर मगर इफ बट बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लोग बहुत ज्यादा होपफुल हैं कि पाकिस्तान की टीम आयरलैंड को भी बीट कर देगी। ये भी एक एक अभी जब तक ये हो नहीं जाता क्योंकि पाकिस्तान टीम को भी कोई मॉरली और अगर हम देखें तो कोई बहुत ज्यादा हाई ग्राउंड पे नहीं खेल रही। पाकिस्तान टीम कुदरत के निज़ाम के एक्टिव होने का मुंतजर है और पाकिस्तानी फैंस भी इस कुदरत के निज़ाम को के काम करने के लिए दुआगो हैं। मगर सूरत हाल देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम को अल्टीमेटली जो नेट रन रेट अपना अच्छा करने के लिए आयरलैंड के अगेंस्ट एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कि उनको जल्द अज जल्द आउट करें और फिर जल्द अज जल्द चेस कर लें, तो फिर ये पाकिस्तान बेहतर पोजिशन में होगा। अदरवाइज लगता ऐसा है कि एक वेदर जो है वो शायद अभी जो फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट मौजूद है उसके कुछ वक्त का मैच जरूर हो सकता है।